शान और शौकत के साथ पंच प्यारों की अगुवाई में भव्य पुष्प वर्षा के बीच श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का नया स्वरूप पहुंचा गुरुद्वारा साहिब। श्री गुरु सिंह सभा खरगोन द्वारा खालसा पंथ का स्थापना दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है, जिसके तहत मंगलवार को श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के नए स्वरूप का आगमन शहर में हुआ, जिससे पंच प्यारों की अगुवाई में भव्य पुष्प वर्षा के साथ शान ऐश शौकत से गुरुद्वारा साहिब लाया गया। स्वरूप साहेब की सेवा स्वर्गीय सरदार राजेंद्र पाल सिंह गांधी की पुण्य स्मृति में गांधी परिवार द्वारा की गई। सभा के प्रधान प्रतिनिधि अमरजीत सिंह भाटिया एवं सह सचिव त्रिलोचन सिंह भाटिया ने बताया कि श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के नए स्वरूप को गुरुद्वारा साहिब लाने के लिए श्री कृष्ण टॉकी सिराहे से गुरुद्वारा साहिब तक नगर कीर्तन का आयोजन किया गया, जिसमें पंच प्यारों की सेवा समाज के युवाओं रमनदीप सिंह भाटिया, प्रभजोत सिंह भाटिया, सोनू भाटिया, सोमी भाटिया, हरचरण सिंह भाटिया द्वारा निभाई गई। निशान साहिब की सेवा विंकल भाटिया ने की। कीर्तन में समाज की महिलाओं ने गुरबाणी का अजसगान किया तथा समाज के बच्चों एवं युवाओं एवं बहनों ने कृपाण हाथ में लेकर जयकारे लगाए। नगर कीर्तन का सकल हिंदू समाज संघ के स्वयं सेवकों तथा शहर के गणमान्य नागरिकों द्वारा पुष्प वर्षा से स्वागत किया गया। समाप्ति के पश्चात गुरु के अटूट लंगर का आयोजन हुआ, जिसकी सेवा हरबख्श सिंह छाबड़ा परिवार द्वारा की गई, जिसमें समाज की महिलाओं कमलजीत कौर भाटिया, रितु चावला, गुरमित कौर भाटिया, हरजीत कौर भाटिया, मिन्नी भाटिया, रोशन भाटिया, इंद्रजीत कौर गांधी का विशेष सहयोग प्राप्त हुआ। बुधवार को सुबह श्री अखंड पाठ साहिब जी की आरंभता हुई, पश्चात निशान साहिब की सेवा की गई। आज रात्रि कीर्तन दीवान सजेगा, जिसमें सभा के हजूरी रागी पवन सिंह जी एवं इंदौर से आए ज्ञानी लोकप्रीत सिंह जी द्वारा गुरबाणी का जसगान होगा। ब्यूरो रिपोर्ट खरगोन। Thank you.
फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।